अब भिलाई एक खेलगढ़ भी बन गया। दिन में बन जाएगा भाई साहब ये 10 से 15 दिन में बन जाएगा। 10 से ऊपर छत पे चढ़े हुए हैं, क्या कुछ कर रहे हैं इन जी। नमस्कार, मैं हूं मनीष चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी प्राइम न्यूज। आज हम कुर्सी पार के उस जगह पे खड़े हैं जहां पे कुर्सी पार के विधायक, भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव जी ने यहां पे इंडोर स्टेडियम बनाने की नींव डाली है और इंडोर स्टेडियम बन भी रहा है। बैडमिंटन कोर्ट भी रहेंगे इसमें और भी कई स्पोर्ट्स की सुविधाएं जो है कि यहां पे दी जाएगी। ये अंदर चलते हैं और जानते हैं उन तमाम लोगों से जो अलग अलग लोग जैसे पेंटर हैं, वेल्डर हैं, साइड वाले हैं, उन सब से बात करते हैं और जानते हैं कि किन किन गुणवत्ताओं का ध्यान रखकर इस स्टेडियम को बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, हम सिलसिलेवार आपको बताते हैं कि ये जो कुर्सी पार में विधायक देवेंद्र यादव जी के द्वारा ये जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, ये निर्माण कार्य, ये इंडोर स्टेडियम है, ये बैडमिंटन कोर्ट पे हम बैठे हुए हैं। बैडमिंटन कोर्ट को जो बना रहे हैं उनसे भी हम आपको बात कराते हैं। जी सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। उमेश कुमार जी, कब से आप बना रहे हैं उमेश जी? मैं कल आया था। कल आए हैं? क्या बना रहे हैं आप? बैडमिंटन कोर्ट। ये बैडमिंटन कोर्ट है, कितना इसका क्या स्ट्रेंथ होगा? कितना इसका है? 34.59 मतलब 34 × 59 मतलब आपका 34/59 का ये कोर्ट बन रहा है। एक कोर्ट है, दो कोर्ट बन रहे हैं। बैडमिंटन के ही दोनों बन रहे हैं? दोनों बैडमिंटन कोर्ट बन रहे हैं और एक स्क्वैच कोर्ट बन रहा है उधर। क्या कोर्ट बन रहा है? स्क्वाइच कोर्ट। अच्छा। तो ये लगभग कितने दिन में बन जाएगा भाई साहब? ये 10 से 15 दिन में बन जाएगा। 10 से 15 दिन में। हाँ। लगातार कितनी टीम है आपके साथ? हमारे साथ 4 बंदे हैं। 4 लोग हैं? हाँ। तो दोनों सिर्फ आप बैडमिंटन कोर्ट देख रहे हैं? हाँ, बैडमिंटन कोर्ट और स्क्वाइच कोर्ट वो भी बनाएंगे। तो क्या क्या गुणवत्ताओं का ध्यान रखा जा रहा है इसमें? क्या क्या मटेरियल लगाए जाते हैं इसमें? मटेरियल लगाया जा रहा है पाइनवुड, मैपलवुड, रबर और ऊपर आएगा पॉलिश। ग्राइंडिंग होने के बाद में गेम मार्किंग होगा। अच्छा, उससे क्या फायदा होता है? डबर उड़ से ये अपने घुटनों में प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, घुटनों में प्रॉब्लम नहीं होती? हाँ, और कुशन पैड यानी कि जंपिंग मारेगा ना, इसलिए लगाते हैं रबर। अच्छा, जंपिंग के लिए मतलब कुशन कोट भी लगेगा? हाँ, कुशन पैड रबड़। हाँ, दिखाऊंगा? हाँ, जरा दिखा। नीचे लगे हुए। अच्छा, इसके ऊपर आएगा मैपलवुड, ये वाला आएगा मैपलवुड। अच्छा, ये ऊपर आएगा टॉप फाइनल में, ये ऊपर लगेगा। इसके बाद ये लगेगा, ये नीचे लगेगा पाइनवुड के नीचे लगेगा रबर। अच्छा, उसके ऊपर ये लगेगा, फिर इसका सैंडिंग होगी, पॉलिश होगा, फिर गेम मार्किंग होगा। अच्छा, इससे घुटनों में प्रॉब्लम नहीं होगी खेलने? नहीं, हाँ, घुटनों में प्रॉब्लम नहीं होगी और जंपिंग रहेगा। अच्छा, कुशन के लिए लगाते हैं। अच्छा अच्छा, और एंटी दीमक के लिए भी लगाते हैं। अच्छा, दीमक भी नहीं आता इससे? हाँ, ऊपर रहेगा ना पाइन, तो दीमक नहीं आएगा। मतलब काफी गुणवत्ताओं को ध्यान में रखते हुए इसकी मॉनिटरिंग खुद जो है कि विधायक देवेंद्र यादव कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं महापौर नीरज पाल जी। ये देखिए, ये भाई साहब भी हैं, ऊपर छत पे चढ़े हुए हैं, क्या कुछ कर रहे हैं इनसे ही जानते हैं हम। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश विश्वकर्मा है और मैं जबलपुर से। क्या कर रहे हैं भैया आप? हमारा काम ये ट्रस फिटिंग और टीन शेड फिटिंग का। कब से कर रहे हैं? काम तो बहुत 6-7 साल हो गया। आप 6-7 सालों से काम कर रहे हैं? यहाँ कब से कर रहे हैं? ये तो अभी मैं आ रहा पिछले महीने आया। लगभग कितना समय और लगेगा साइड फिटिंग करने में? इसमें साइड फिटिंग का क्या, 2-4 दिन का काम होगा? 2-4 दिन में कर देंगे। किन किन गुणवत्ताओं को ध्यान में रखा जा रहा है? मटेरियल किस तरह के इसमें लग रहा है? मटेरियल अच्छा है, पाइप है, ये शीट भी अच्छी क्वालिटी की लगा है इसमें। अच्छा, सब मतलब अच्छा क्वालिटी का। तो ऐसा सेट बनाने से क्या फायदा होगा? ऐसा सेट बनाने से ये क्या है, मैं लोग वाइज है अपना इंडोर स्टेडियम है, बनता तो वो वाला भी है जैसे वेयर हाउस में बनती सीधी कैंची जो बनती है वही बनता, पर इसमें लुक अच्छा आता है। इसमें लुक भी अच्छा आता है और मजबूती भी है और उस हिसाब से जितनी इसकी चौड़ाई है उस हिसाब से ट्रस भी काफी मजबूत। कितनी चौड़ाई है इसकी? चौड़ाई मेरे ख्याल से इसकी 120 फीट करीब है। 120 फीट चौड़ी है। लंबी? लंबी 180 करीब। 180 तो मजबूती ही रहेगा इतने लंबे? हाँ, मजबूती है सर, बहुत हैवी क्वालिटी का मटेरियल लगा यूज हुआ। अच्छा अच्छा, ये एक गेट जो हम सामने से जहाँ से हमने एंट्री किया है वो एक गेट है, इसमें एक गेट हमारे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, एक गेट वहाँ पे है
और इधर भी एक छोटा सा जो है कि हॉल बनाया जा रहा है, यहाँ पे भी बच्चे खेला करेंगे। ये देखिए, ये एक गेट ये है जो पीछे की तरफ निकलने का दिया हुआ है, मतलब कुल मिला के 1, 2, 3 और 4 गेट जो है कि बड़े गेट बनाए गए हैं इसमें एंट्री करने के लिए और एग्जिट करने के लिए। 2 हॉल हैं बड़े बड़े जो है कि बताया उन्होंने कि 2 हॉल हैं, इन दोनों हॉल में बैडमिंटन कोर्ट बनाया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रूम भी हैं, लेट बाथ की भी व्यवस्थाएं हैं, महिला पुरुष दोनों का ध्यान रखा गया है। जी भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जी मैं पेंटर हूँ। पेंटर हैं आप, कब से पेंटिंग का काम कर रहे हैं? 10-15 दिन से। 10-15 दिन से। क्या क्या होगा पेंटिंग में? कलर होगा, प्राइमर होगा। हाँ, ग्रीन का है वो उसमें ब्लैक पेंट होगा। अभी अभी क्या क्या किए हैं आप? अभी पुट्टी का काम चल रहा है। पुट्टी का काम चल रहा है। लगभग कितने दिनों में पेंट, पुट्टी और सब कुछ कम्प्लीट हो जाएगा? ये होगा हफ्ता भर लग जाएगा, 7-8 दिन में हो जाएगा। 7-8 दिन में कर ले जाएंगे। क्या नाम है आपका? जी धनीराम राय। बिल्कुल, स्टेडियम का नजारा हमने सिलसिलेवार आपको दिखाया और तमाम लोगों से बातें कराई जो अलग अलग पार्ट वहां पे देख रहे हैं और संभाल रहे हैं। अब हम नगर निगम भिलाई में आ चुके हैं। नगर निगम भिलाई में हम उस जगह पे मौजूद हैं, एमआईसी मेंबर हैं आदित्य सिंह जी, जो जिनके पास खेल का प्रभार भी इन्हीं के पास है। चूंकि खेल से जुड़ा हुआ मामला है तो हमने सोचा कि खेल मंत्री से भी बात कर ही लेते हैं। तो जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद जी। बताएंगे जरा कि किस तरह की लागत से बन रहा है, कितने की लागत से बन रहा है और क्या क्या व्यवस्थाएं वहां खेल की होंगी? जी इसके लिए तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के इतने संवेदनशील मुखिया भूपेश बघेल जी का धन्यवाद करेंगे कि जो भिलाई को, भिलाई जो पहले एक एजुकेशन हब हुआ करता था, अब भिलाई एक खेलगढ़ भी बन गया है। भिलाई को खेलगढ़ बनाने के लिए लगातार भूपेश बघेल जी के साथ हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी प्रयासरत हैं। इसी क्रम में बहुत सारे खेल मैदान का निर्माण किया गया। आप देखे होंगे कि सेक्टरों में, वैशाली नगर में, कुर्सी पार में जगह जगह बैडमिंटन के कोर्ट और क्रिकेट मैदान बनाए जा चुके हैं अभी तक। लेकिन एक बहुत लंबी मांग आ रही थी इंडोर स्टेडियम की, जिसमें कि जो इंडोर गेम्स हैं वो हम लोग आयोजित कराए जा सके। इसी क्रम में विधायक जी के प्रयास से लगभग 3 करोड़ की राशि से नेशनल हाईवे के किनारे कुर्सी पार में बहुत ही जबरदस्त तरीके का एक इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसमें बैडमिंटन के लिए 2 कोर्ट रहेगा। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैरम बोर्ड के लिए पहली बार ऐसा कोई प्रदेश होगा जहां पर कैरम बोर्ड खेलने के लिए एक बढ़िया इंडोर स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा साथ ही साथ स्क्वैश गेम आता है, स्क्वैश के लिए एक रूम तैयार किया जा रहा है, पिकल बॉल के नाम से भी जानते हैं हम लोग उसको। उसके अलावा शतरंज का टेबल लगेगा, वहां पर 6 शतरंज के टेबल लगेंगे। साथ 3 कोर्ट बनाए जा रहे हैं और अभी मुख्यमंत्री जी का भेंट मुलाकात लगभग पूरे प्रदेश के हर विधानसभा में चल रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे विधायक जी ने चर्चा की कि एक स्विमिंग पूल भी बनाया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने उस दिन अपने मन से घोषणा कर दी थी भिलाई में कुर्सी पार में कि यहाँ पर स्विमिंग पूल का भी निर्माण किया जाएगा। तो एक बहुत ही सुंदर इंडोर मैदान अपने को मिलेगा जहां पर अलग अलग तरीके का गेम हमारे भिलाई के युवा खेल सकेंगे और अपनी प्रतिभा को देश के स्तर पर ले जाएंगे। जी बिल्कुल, कई लोगों को इसका फायदा भी होगा क्योंकि ये इस्पात नगरी है, ग्रीन सिटी भी कहा जाता है, शिक्षा धानी भी कहा जाता है इसे, और इन्होंने बताया कि ये खेल धानी भी बन रहा है। उसी कड़ी में वो जो स्टेडियम बनकर तैयार होगा तो वहां पे हजारों हजार जो है कि स्पोर्ट्स के प्रेमी उसका लुत्फ उठा पाएंगे, उसका लाभ उठा पाएंगे और निश्चित तौर पर ही जब वहां से खेल कर, गढ़ कर, जब बच्चे निकल कर स्टेट लेवल और आगे जाकर देश और विदेशों में खेलेंगे तो निश्चित तौर पर प्रदेश के साथ साथ भिलाई का भी नाम रोशन होगा। विधायक देवेंद्र यादव की ये पहल वाकई में रस ला रही है, रंग ला रही है और आने वाले समय में इसका लोगों को लगातार फायदा भी मिलता रहेगा।